वर्ल्ड में अभी जो बहुत बड़ा प्रजाप्रभुत्व जो कहलाता है दैट इज इंडिया, इंडिया है, तो एक इंडिया का जो ये इलेक्शन होता है ये फेस्टिवल हो जाता है. वी आर ऑलमोस्ट सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ इलेक्शन, डेमोक्रेसी का एक फेस्टिवल हो जाता है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार, बहुत बड़ा त्यौहार तो हम लोग बोलते हैं. तो एक तो चीज सही है, अच्छा गवर्नमेंट आया, पीपल सेलेक्ट ए राइट पर्सन, दीपावली बन जाएगा. सपोज पीपल सेलेक्ट ए रॉन्ग पर्सन, इंडिया दिवाली हो जाएगा. और अब आपने जो सवाल किया कि भारत एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है, द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और इसमें इस वक्त जो ये फेस्टिवल चल रहा है लोकतंत्र का, सबसे बड़ा त्यौहार जो है वो इलेक्शन कहते हैं उसको, और इलेक्शन में दो बहुत बड़ी पार्टियां हैं, जो सबसे बड़ी पार्टियां हैं दो, उनको बोलते हैं, एक कांग्रेस है और एक बीजेपी है, के दो दिग्गज नेताओं की आज बात करते हैं. सही है. सबसे पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी, मोदी जी. नरेंद्र मोदी एक छोटे से गांव वडाल में पैदा हुए, गुजरात का एक छोटा सा गांव वडाल, 17/9/1950. आदरणीय नरेंद्र मोदी की कुंडली वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि, लग्नाधिपति मंगल, मगर मंगल मित्रों 0 डिग्री का बैठा हुआ है. जब 0 डिग्री में ग्रह बैठा होता है तो आगे की ग्रह, आगे की राशि को देखता है, मगर लग्नाधिपति वृश्चिक लग्न, मंगल के दो राशियां मेष और वृश्चिक, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होने की वजह से आप देखिए कि चंद्रमा की महादशा में भी उनको दूसरी बार 19 में पंत प्रधान बनने का अवसर मिला, 2014 में भी उनको पहली बार वो पंत प्रधान बने, उससे पहले 2002 से लेकर अब तक सत्ता में और पूरे देश में छाए हुए हैं, 14 से लेकर 24 तक 10 साल तो आपने सबने देखा ही देखा है. मगर भाग्य में जब कब करवट बदलती है, कब गलती होती है, ये भाग्य बताता है. इस वक्त उनकी मंगल की महादशा लगी हुई है और मंगल की महादशा उनकी 5/12/2027 तक लगी हुई है.